जय हिंद दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली भारत के MRFA टेंडर ने एक बार फिर से तुल पकड़ लिया है। नाटो के तीन देश अकेले रशिया को काउंटर करने के लिए भारत के MRFA टेंडर के लिए भिड़ गए हैं, लेकिन इस बार भारत ने नाटो के तीन में से दो देशों की धज्जियां उड़ा के रख दी है, क्योंकि ये दोनों ही देश भारत के दोस्ती के नाम पर सबसे बड़े कलंक हैं। और ये दोनों वही दो देश हैं जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रचते हैं, आतंकवाद को फैलाने में दुश्मनों की मदद करते हैं। अब आप लोग खुद सोचो कि भारत इन दोनों ही देशों के साथ क्या करने वाला है। अब इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये दोनों ही देश कौन कौन से हैं और वो तीसरा देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक बड़ी डील साइन करने वाला है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो दशकों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भारत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदेगा और स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए दुनिया कि पांच देश अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। ये देश है रशिया, अमेरिका, UK और फ्रांस, और जो लास्ट वो है साउथ कोरिया, क्योंकि कई बार ये खबरें निकल के आई हैं कि साउथ कोरिया भी अपने 4.5 जेन के फाइटर जेट को भारत को MRFA टेंडर के लिए ऑफर कर चुका है, जहां पर फ्रांस राफेल, UK अपने यूरो फाइटर टाइफून को और अमेरिका तो अपने F-16, F-21 और F-15EX जैसे फाइटर जेटों को ऑफर कर चुका है। वहीं अगर रशिया की बात करें तो रशिया अपने Sukhoi-35, Sukhoi-34, Sukhoi-57 जैसे फाइटर जेटों को ऑफर कर चुका है। और वहीं भारत के स्टांस की बात करें तो भारत ने बिल्कुल साफ कह दिया कि वो अपने MRFA टेंडर के लिए स्वदेशी फाइटर जेटों को ही एक्वायर करेगा, फिर वो चाहे तेजस मार्क 2 हो या फिर M का फाइटर जेट। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेटों की कमी आई है, भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर जेटों की फ्लीट है वो 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के टाइम से भी नीचे गिर गई है। इसलिए एक बार फिर से भारतीय वायुसेना MRFA टेंडर की तरफ मूव करने के लिए मजबूर हो गई है, और अब भारत भी शायद MRFA टेंडर के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेटों की डील साइन कर सकता है। आपको बता दें कि MRFA टेंडर की ये डील इतिहास की सबसे महंगी डील है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $20 बिलियन के आसपास है। इसलिए इस अरबों की डील को हासिल करने के लिए चार देश पूरी तरीके से भारत पर टूट पड़े हैं और भारत को एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। अब इस $20 बिलियन की डील में जो सबसे धमाकेदार ऑफर आया है वो वैसे तो फ्रांस की तरफ से आया है। आपको बताएंगे फ्रांस ने भारत को क्या ऑफर किया है, क्योंकि ये तो आपको पता ही कि भारत फ्रांस से राफेल ही खरीदेगा, लेकिन राफेल के साथ फ्रांस ने भारत को जो ऑफर दिया है वो सबसे धमाकेदार ऑफर है। अब सबसे पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि यूरोफाइटर पुट्स अप ए फाइट प्राइस डिलीवरी एंड प्रोडक्शन रेट इन फोकस फॉर इंडिया MRFA डील। आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून UK का है, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल साफ है कि भारत UK के साथ किसी भी कीमत पर यूरोफाइटर टाइफून की डील नहीं कर सकता और न ही वो अपने MRFA टेंडर के लिए इसे एक्वायर करेगा, क्योंकि ये वही UK है जो लगातार खालिस्तान को लेकर भारत से जंग लड़ने वाले कनाडा को सपोर्ट कर रहा है और भारत से MRFA टेंडर की भीख भी मांग रहा है। और अब UK की तरह ही हाल अमेरिका का है। अमेरिका भी लगातार खालिस्तान के मुद्दे में कूद रहा है और भारत पर हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ F-16 के अपग्रेडेड वर्जन F-21 फाइटर जेट को भी भारत को ऑफर कर रहा है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि यूनाइटेड स्टेट्स काउंटिंग ऑन दिस जेट टू विन इंडियाज MRFA टेंडर। लेकिन अमेरिका जितने भी अपने फाइटर जेटों को भारत को ऑफर कर रहा है, उसकी हरकतों की वजह से भारत अब अमेरिका के साथ कोई भी डील साइन नहीं करने वाला, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। क्योंकि इन द फ्यूचर अगर भारत MRFA टेंडर के लिए किसी भी देश से अगर डील साइन करेगा तो वो सिर्फ फ्रांस होगा, क्योंकि रशिया से भारत पहले से ही दूरी बना चुका है। इसलिए भारत के पास सिर्फ एक देश बचता है, वो है फ्रांस, क्योंकि रिसेंटली फ्रांस ने भारत के लिए जो सबसे बड़ा ऑफर दिया है वो ये है कि फ्रांस ने एक तो राफेल फाइटर जेटों के प्राइस को भी ड्रॉप कर दिया है, और वहीं फ्रांस राफेल फाइटर जेटों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी डील है वो ये है कि MRFA टेंडर के 114 फाइटर जेटों के लिए जो इंजनों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो भी भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके लिए फ्रांस भारत को 100% TOT भी देगा। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि MRFA शेफ्रॉन ऑफर्स टू मैन्युफैक्चर M88 इंजन्स इन इंडिया फॉर राफेल फाइटर जेट्स। आपको बता दें कि अगर भारत फ्रांस के साथ MRFA की डील साइन करता है तो आने वाले 40 सालों में भारत को तकरीबन 350 M88 इंजनों की जरूरत पड़ेगी, और ये सारे के सारे इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, क्योंकि भारत ऑलरेडी राफेल फाइटर जेटों को इस्तेमाल करता है। इसलिए 99% ये चांसेस है कि भारत फ्रांस के साथ ही अपने MRFA टेंडर को साइन करेगा, और अगर भारत MRFA टेंडर को साइन नहीं करता है तो अपने स्वदेशी फाइटर जेटों की तरफ ही जाएगा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।